विदिशा की लटेरी में प्रशासन का देखा बड़ा एक्शन, अतिक्रमण में आई दुकानों को हटाया गया। सर, जैसा कि ये लटेरी में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई जा रही है, कब से चल रही है? ये कल से प्रारंभ की गई है। ये कोई ऊपर से ही इसके आदेश होंगे, मतलब मध्य प्रदेश शासन के हैं या जिला निर्वाचन, जिला प्रशासन के हैं, कलेक्टर महोदय के आदेश हैं? तो इनको जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इनको कहीं नई जगह दी गई है क्या? कुछ हितग्राहियों का ये कहना है कि एक तरफ से प्रशासन होकर जोन के लिए 10,000-20,000 रुपए का लोन उपलब्ध करा दिए कि आप गलियों में घूम के या कहीं छोटा मोटा व्यापार करके अपनी रोजी रोटी चलाओ, और दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाकर उन्हीं होकर्स जोन वालों को हटाया जा रहा है। कुछ विस्थापित हुए हैं, कुछ ज़्यादा दुखी हैं। ट्रैफिक बाधित होता है यातायात बाधित होता है। तो यहाँ तो हमें जहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो रोड से काफ़ी अंदर थे सर? नहीं, जैसे कई जगह रोडों पर गुमटियाँ रख ली हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी हैं और ट्रैफिक में दिक्कत आ रही है, तो इस कारण से उन जगह का हटाया जाना बिल्कुल न्यायोचित है, उचित है। लेकिन सर, एक तरफ से प्रशासन की जो योजनाएं हैं कि हमारे देश के अंदर कोई भी बेरोजगार ना रहे, उन्हें अपन ही रोजगार दे रहे हैं, और वही लोग अगर हमारे अतिक्रमण हटाने से दर दर की ढोकरें खाएंगे, तो सर उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकला? कब तक इनके लिए कोई व्यवस्था हो जाएगी सर? मतलब फिर भी कब तक? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हितग्राही हैं जिनका बयान है कि हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। ये अतिक्रमण हटाओ मुहिम सभी की संयुक्त है, इसमें तहसीलदार महोदय भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, SDM। किन किन का हटाना है? रोड पे जो है गुमठी ठेले, अब आगे चले टीन सेट पक्के मकान, वो भी हटा जाएंगे? अच्छा, तो जो है टीन सेट वगैरह जो ज़्यादा लंबे चौड़े में करे हुए। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या हुआ है? अतिक्रमण हटा रहे थे साहब, गुमटी रखी थी हमारी जहाँ। तो कहाँ रखी थी आपने? यहीं रखी थी, बगल में रखी थी, तलाब पीछे। रोड पे थी क्या? रोड पे नहीं थी, रोड के बहुत पीछे थी, अंदर थी, 20-25 फीट दूर थी। परेशान कर देते हैं, हर बार कह देते हैं कि उठाओ, जहाँ से उठाने लगते हैं कह देते हैं। काय की गुमटी थी? काय की गुमटी थी आपकी? ये मेरी मैकेनिक की गुमटी थी। मैकेनिक की? क्या सुधार देते आप? बड़ी गाड़ी सुधारता था। अच्छा, मानी करता था गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियाँ। तो उससे प्रशासन ने आपकी गुमटी हटा दी, क्या बोला आपसे? ये बोला कि जहाँ कुछ दुकानें बनेंगी यहाँ से हटाइए सामान। अच्छा, जहाँ दुकानें बनने वाली हैं। आपका कोई इंतजाम किया, कहीं व्यवस्था बनाई? कहीं व्यवस्था नहीं। या आप लोगों की भी दुकानें हटी हैं? आपका क्या नाम है? कल्लू नाम है। तो ये क्या बोलकर हटाया है? ये हटाया, जहाँ से दुकानें हटाओ आपको हम जगह दे देंगे, अभी तक जगह नहीं दी। अभी तक नहीं दी है? 8 दिन से हम फ्री हैं। 8 दिन से फ्री हो? तो और आपका आय का साधन क्या है? आय मिट गई है, मतलब आप बेरोजगार हो गए? अच्छा, तो हालात 10,000 रुपये लोन दिया था नगर पालिका ने हमें। 10,000 का लोन मिला था? 10,000 का लोन मिला था,
कहाँ से? अब हम सामान भी हटा दिया हमारा पूरा, क्या करें बच्चे मतलब सरकार आपको लोन भी देती है रोजगार करने के लिए, रोजगार करने के लिए लोन दे दिए और फिर दुकान भी सरकारी हटा रही है, तो क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं? लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए के क्या न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।